लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैस के ऊपर जो आम पब्लिक थी वो हमला किए जा रही थी और उससे कह रही थी कि बाहर निकालो क्योंकि इसे जादू यूज करना नहीं आता। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आते हैं और उन पब्लिक को शांत करते हैं और कहते हैं कि डिवाइन विजनरीज के एग्ज़ाम के दिन आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब आगे अब हम देखते हैं स्ट्रीट पर एक बंदा दूसरे किसी आम इंसान को मार रहा है जिसके चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी दो डिवाइन विजनरीज उसके पीछे आकर के उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। हमने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि स्ट्रीट बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर एक सनकी घूम रहा है जो लोगों को मार रहा है और हम उसी सनकी की खोज में यहाँ पर आए हुए हैं। तभी तक दूसरा बंदा कहता है मेरे ख्याल से हमें वो मिल गया। अब हम देखते हैं उस बंदे को जो पीपल की किलिंग कर रहा था। तभी तक इन दोनों डिवाइन विजनरीज ने अपने अपने मैजिक का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो बंदा इतना तेज था कि वहाँ से गायब होते हुए और एक छत पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने वो दोनों डिवाइन विजनरीज भी तुरंत ही पहुँच चुके थे, जहाँ पर एक डिवाइन विजनरी कह रहा था यदि इस बंदे की जगह कोई नॉर्मल मैजिक यूजर होता तो अब तक वो 3 बार मर चुका होता, लेकिन इसके चेहरे से तो एक पसीने की बूंद भी नहीं गिरी और एक खरोच भी नहीं आई है। तभी वो बंदा कहता है कि तुम लोग दो बंदे डिवाइन विजनरी मेरे सामने खड़े हुए, मुझे इसे फेस करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तब तक एक डिवाइन विजनरी उसके कपड़ों को देखते हुए कहता है कि भाई और देखो जरा, उसके कपड़ों पर जरा सी भी सिकुड़न भी नहीं आई है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो हमारे हमलों को डॉज करने में सक्षम है। तभी तक वो बंदा उन दोनों के दौड़ा दूर आते हुए अपनी मैजिक को इंक्रीज करता है। अभी डिवाइन विजनरी दूसरे बंदे से कहता है क्या उसकी एनर्जी अभी बढ़ रही है। डिवाइन विजनरी उस बंदे से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम एक ही टाइम पर दो चीज़ें नहीं कर सकते हो, जहाँ पर तुम्हें हमला भी करना पड़े और यदि तुम्हें डिफेंस करना पड़े तो। वो बंदा कहता है देखते जाओ, देख मेरा जो मैजिक है ना वो तुम दोनों को यदि तुम लोग 1v1 होते तो सिंगल अटैक में ही तुम्हारा गेम ओवर कर देता, लेकिन अब दोनों तुम जब दोनों लोग एक साथ में खड़े हो तो ये थोड़ा रिस्की होगा। तो डिवाइन विजनरी देखता है कि उस बंदे की पावर फिर से इंक्रीज हो रही है और वो अपना मैजिक यूज करता है जिससे उस डिवाइन विजनरी का हाथ कट के अलग हो जाता है और एकदम सही मोमेंट पर वो बंदे जो डिवाइन विजनरीज थे वहाँ से गायब हो चुके थे अपना मैजिक यूज करते हुए, वरना आगे बहुत कुछ हो सकता था। तभी वो जो मिस्टीरियस पर्सन था वो कहता है कि उन दोनों ने मेरी स्पेल को नोटिस कर लिया और जो मेरा फर्स्ट अटैक था उसकी डायरेक्शन एक क्लोन के जैसी थी। अभी तक वो जो दोनों डिवाइन विजनरीज थे उसमें से पहला बंदा डेथ स्टिंग नाम का मैजिक यूज करता है और जो दूसरा बंदा था ड्रैगन टिंडर नाम का मैजिक यूज करता है। तभी वो जो मिस्टीरियस पर्सन था वो समझ जाता है कि वो दोनों बंदे ऑलरेडी उसके पीछे पहुँच चुके हैं, लेकिन कैसे उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी उस डिवाइन विजनरी को समझ में आता है कि उन्होंने जो अटैक किए थे वो बंदा उन दोनों अटैक को और ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाते हुए उनको डॉज कर रहा है और उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसी वजह से वो अपनी अंडेथ बॉल को बनाते हैं जिससे वो सेफ हो सकें। लेकिन तभी एक बड़ा सा धमाका हो जाता है जहाँ पर वो दोनों डिवाइन विजनरीज कह रहे थे कि हमें इसे सिखाते हैं कि आखिरकार फाइट कैसे की जाती है। तभी उनकी नज़र उस बंदे पर पड़ती है जिससे वो सोचते हैं कि आखिरकार मेरे इतने हैवी अटैक होने के बावजूद भी उस बंदे ने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर लिया, और हम लोग यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आए हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन के, तो ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि करो या मरो। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो छतों से भागते हुए फुल स्पीड में यहाँ से भागे जा रहा था। तभी तक एक डिवाइन विजनरी दूसरे से पूछता है कि भाई आखिरकार इस बंदे की कहानी क्या है। तभी दूसरा उससे बताता है कि 15 साल पहले एक बच्चा जन्म लिया था इस मैजिक की दुनिया में जिसका नाम था डोमिना ब्लो बिलीव। उसको जो मैजिकल पावर थी उसके जन्म के साथ ही मिली थी और बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और जब वो पैदा हुआ तो उसने आसपास की सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया, बिल्डिंग्स बहुत सारी चीज़ें जो धूल में मिल चुकी थी।
उसी साल में एक और बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था मैस, और मैस महीने बड़ा या छोटा था। डोमिना फिजिकली, मेंटली और मैजिकली इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो स्टोन से लेकर के बहुत सी हैवी हैवी चीज़ें उतनी सी ही उम्र में तोड़ सकता था, जिस चीज़ के लेकर के अच्छे अच्छे वयस्क लोग भी नहीं कर पाते थे। और डोमिना के आसपास से भी गुजरते थे तो उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि डोमिना की बॉडी से बहुत सारा मैजिक रिड्यूस होता था। और ये देख कर के दाई को हमेशा से लगता था कि डोमिना एक पावरफुल मैजिशियन आगे जा कर के बनेगा। उसी जगह पर दूसरी साइड जो अपना मैस था, वो हमेशा बढ़ईगिरी के काम में बिजी रहता था, और उसको कैबिनेट बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा था। उसने कुछ ही क्षणों के अंदर एक बेहतरीन सा कैबिनेट बनाकर रख दिया था, जिसे देखकर सारे लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। और दाई को उसे को देखकर लगता था कि आगे जाकर ये बहुत अच्छा कारपेंटर बनेगा। डोमिना के अंदर एक चीज़ और थी जो अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, और उनके लिए उसकी जो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर थी उसको और ज़्यादा बढ़ाते हुए हमेशा से अपने पिता को समर्पित करना चाहता था। वो अपने जन्म से ही जानता था, क्योंकि उसके जो पिता थे उनकी जो पावर थी उसको लेकर वो हमेशा से एक्साइटेड रहता था। और एक रात डोमिना ने अपने आप से ही पूछा कि आखिरकार इस तरीके से डोमिना है, सेम उसी तरीके से मैस भी है, क्योंकि मैस अपने आप में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। और इसी चीज़ की वजह से डोमिना को लगा कि यदि मैस जिंदा रहा तो उसके पिता के आगे उसकी जो इज्जत है और जो कुछ भी वो करना चाहता है वो कभी नहीं हो सकता। और जैसे चिड़िए के बच्चे एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, ऐसे ही डोमिना ने मैस के ऊपर अटैक किया उसको मारने के लिए। डोमिना ने अपनी जो मैजिकल पावर थी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल सीख रखा था, क्योंकि उसे मैस के अगेंस्ट यूज करना था उसको मारने के लिए। लेकिन मैस के पास तो यहाँ पर कोई मैजिकल पावर ही नहीं थी। अब ये दोनों जिस तरीके से बचपन में ही फाइट कर रहे थे, दाई ये चीज़ देख कर के परेशान थी, क्योंकि मैस जिस स्पीड में भाग रहा था और जिस तरीके से वो ड्राइविंग की स्किल का यूज करते हुए अपने आप को टर्न करते हुए बचाए जा रहा था, ये सचमुच में एक ड्राइविंग स्किल थी जो बिना स्पीड को लूज किए हुए और टर्न करने का पिछले पहियों पर काम कर रही थी। और ये चीज़ देख करके दाई का मुंह खुला का खुला था, क्योंकि वो उस समय सिर्फ 5 महीने के थे। लेकिन मैस जिस टेक्निक का यूज कर रहा था डोमिना को डोज करने के लिए, डोमिना इस चीज़ को समझता है और उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि मैस उससे अलग ही लेवल पर है। लेकिन 5 ही हफ्तों के बाद जो अपना मैस था वो वहाँ से गायब हो जाता है, और डोमिना को रियलाइज होता है कि जब मैस यहाँ से चला गया है और वो जब तक जिंदा है तब तक उसके पिता की फुल एंगेजमेंट उसको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। डोमिना डिसाइड करता है कि जब तक वो शांति से नहीं बैठेगा, जब तक वो मैस को ख़त्म ना कर दे। अब फाइनली जो एग्ज़ाम का दिन था, उस दिन लेविस मैस और बाकी लड़कों से कहता है चलो भागने के लिए तैयार हो जाओ, और हारने के लिए भी। मैस उससे कहता है यदि हमें भागना ही होता ना तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खड़े होते, और हम यहाँ आगे बढ़ने के लिए आई हैं, और इस गेम को चिकन फाइट बोलते हैं, चिकन रन नहीं। वो लड़के हंसे जा रहे थे, जिसे देख कर के अबेस कहता है ये देखो जरा उन्हें। तभी अबेल कहता है टाइम आ गया है। लांस कहता है सचमुच में सुअर वापिस आ गए। हम देखते हैं कि वो जिस तरीके से आमने सामने खड़े थे, लेविस उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ जो तुम्हारा ग्रुप है वो हमारे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, और ये पूरी तरीके से एक तरफा है, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी बुली नहीं करूँगा, हम लोग बड़ी आसानी से जीतने वाले हैं। ये देख करके मैस और बाकी लोगों से कहता है इसका मतलब वो इस तरीके से क्लियर कह रहा है कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। मैस उसको देखकर कहता है हाँ हो सकता है। इधर ये चीज़ सारे स्टूडेंट देख रहे थे, जहाँ पर फिन और लेमन अपने मन के अंदर सोच रहे थे मैस हम लोग हैं ना। अभी तक अनाउंस होता है कि रूल बहुत सिंपल हैं, मैनर के अंदर 5 स्टार हैं जिन्हें तुम्हें खोजना है, और उन स्टार को खोजने के बाद इस संदूक को खोलना है, जो ये सबसे पहले करेगा उसे बॉन्ड ऑफ बिगिनिंग मिलेगी, और साथ ही साथ वो इस साल का डिवाइन विजनरी भी होगा। अभी मैस कुछ सोचते हुए कहता है
मेरे ख्याल से मुझे समझ आ गया। वो लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि हमें उन चाबियों की ज़रूरत है उस बॉक्स को खोलने के लिए। तभी डॉट हंसते हुए कहता है हाँ। लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डरावना मेंशन था, जिसे देखकर डॉट कहता है हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि अंदर बहुत सी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। लोग उन स्टार्स को खोजते हुए उस मेंशन के अंदर इधर उधर, तभी लांस उन लोगों से कहता है कि मेरे ख्याल से जिस तरीके का ये टीजर है, अब यहाँ पर कीज को बहुत ज़्यादा अंदर छुपा के रखा गया होगा, सो हमारे ख्याल से हमें उधर ही चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जो बॉल था वो पूरी तरीके से मूव होने लगता है, जिसे देख कर के मैस और बाकी सारे लोग कहते हैं कि ये तो घूम रहा है, और वो अपने आप को संभालते उससे पहले वो लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन तभी मैस की नज़र एक स्टार पर पड़ती है जो उसके जस्ट सामने पड़ा था। अब उस स्टार को मैस उठाने के लिए डॉट और बाकी सारे लोग फुल स्पीड में भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वो रूम अब घूम रहा था और वो स्टार उनके सामने आगे बढ़े जा रहा था। और वो भागते हुए एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा उजाला था, जिसे देख करके जोर से चिल्लाता है। इतना ज़्यादा उजाला तभी तक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, वेलकम, मैं इस रूम का मालिक हूँ, रूमस्टर। अभी डॉट उसको देखते हुए कहता है क्या बोलने वाली दीवाल। अभी वो रूमस्टर कहता है अब मेरे ट्रायल को फेस करने का टाइम है, और वो अपना मैजिक यूज करता है जिससे एक खतरनाक सी परछाई जैसी हवा में उड़ने वाला मॉन्स्टर बाहर आता है। इसे देखकर डॉट के होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है आखिर वो क्या है। फिर हम फिन को देखते हैं जो बताता है कि वो एक शैडो ईटर है जो परछाइयाँ खाता है। लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी लांस कहता है कि जो लास्ट ईयर हमने डिवाइन विजनरीज के एग्ज़ाम दिए थे, ये उससे कहीं ज़्यादा कठिन है, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस चीज़ को कठिन करने में चीफ ऑफ ब्यूरो के बेटे का ज़रूर हाथ होगा। लेविस को देखते हैं जो कह रहा था किसी भी समय मैंने ब्यूरो से कह रखा है कि उनकी साइड के जो टास्क हैं वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिए जाएं। वैसे तो मैं अपने पिता की कोई भी हेल्प लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब इस एग्ज़ाम को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शैडो ईटर मैस और डॉट के सामने खड़ा था और उनसे कह रहा था कि अब तुम हारने वाले हो, तुम्हारा ग्रुप। फिन कहता है वो शैडो ईटर कोई मजाक नहीं है। अब वो बॉल हंसे जा रही थी, कह रही थी स्टेट की पार्ट हुए थे तब मुझे पनिशमेंट मिली थी और मैं इस दीवार में ट्रांसफॉर्म हो गया था, लेकिन अब फाइनली मुझे आज़ादी मिल जाएगी जब मैं इन लोगों को हरा दूंगा। मुझे अब शुरुआत करने दो इस डीमन के साथ जो एक शैडो ईटर है, और मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगा। उसका मुंह बंद नहीं रहता, और यहाँ पर एक बनी जो सामने उस शैडो ईटर के भाग रहा था, तभी जो बनी था वो अचानक से सिकुड़ते हुए और उसकी जो सोल थी वो पूरी की पूरी वो जो शैडो ईटर था निगल जाता है। ये देख करके डॉट जोर से चिल्लाता है वो भाई उसने तो उसकी आत्मा ही चूस ली, मुझे लगता है ये बनी निकल लिया। फिन उधर सोचता है कि यदि उसने तुम लोगों की शैडो निगल ली तो तुम्हारी आत्मा को भी वो चूस लेगा, तो इस क्रीचर को डिफेंस करने का कोई भी तरीका अब तुम लोगों के पास शायद नहीं है, और इतने ज़्यादा वाइट रूम में जिसमें इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसमें तुम्हारे पास अपनी शैडो को छुपाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो तभी उस शैडो ईटर कहता है कि तुम लोगों के जीतने के कोई चांस नहीं है, और वो बॉल कह रही थी कि शैडो ईटर अब तुम सारे लोगों को अपना भोजन बना लेगा। तभी हम देखते हैं मैं इसको जो ज़मीन पर अचानक से लेट गया था, और ये देख कर वो बॉल कहती है कि तुमने अपनी शैडो को तो छुपा लिया ज़मीन पर लेट करके, लेकिन अब तुम इस लेटने की वजह से ज़्यादा तेज़ी में मूव नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं मैस को जो यहाँ पर इतनी स्पीड में मूव हो रहा था कि जो देख करके उस वॉल के होश उड़े हुए थे, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैस इतनी तेज़ी से मूव कैसे होता है। तभी अचानक से
वो बोल हंसते हुए कहती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ये चीज़ बुरी है क्योंकि वो मॉन्स्टर उड़ सकता है। इस पोजीशन में तुम उससे कभी भी नहीं हरा सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं मैस ने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ घुमा लिया है और अब वो उस मॉन्स्टर को जो शैडो ईटर था अपनी श्वास को अंदर खींचते हुए उसको भी श्वास के जरिए अंदर खींचे जा रहा था। और देखते ही देखते वो शैडो ईटर एक गार्ड में बदल जाता है। ये देख कर के वो बॉल हंसे जा रहा था और कह रहा था ओ हो। तभी हम देखते हैं मैस ने उस गार्ड का हाथ पकड़ रखा है जिसे देखकर फिन अभी जोर से चिल्ला रहा था। मैस उसको ट्रायंगल चोक में फंसा लेता है उसके हाथ को। वो बॉल हंसते हुए कह रही थी कि उसने उसे ज़मीन पर पटक लिया है और उसकी जो शैडो है वो ग्राउंड से अटैच है, इसी वजह से उसको ज़्यादा कॉन्टेक्ट मिल रहा है। लेकिन मैस यदि इस क्रीचर को इसी पोजिशन में प्रेस करते रहा तो गेम ओवर। और सच में ऐसा ही होता है, उस बंदे का जो क्रीचर था उसका गेम ओवर हो जाता है। जिसे देखकर वो वॉल कहती है कि मैस ने अपना जो ट्रायंगल चोक था उसको परफेक्टली परफॉर्म किया है, बंदे में क्या ब्रूटालिटी है। अब ये देख करके फिन कहता है और हमें क्या देख रहे हैं, अब हमारी काउंटिंग के साथ ये बंदा ज़मीन पर धड़ाम करके गिनने वाला है। अभी सारे लड़के देखते हैं कि उसने उसका मैस का ट्रायंगल चोक हटा दिया था और फिन यही चीज़ सोचते हुए परेशान था कि क्या चोक था इस मैजिकल की दुनिया में, क्या सच में अभी भी ये काम करता है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था ये देख कर के अब उस बॉल के होश उड़ चुके थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर अभी हुआ क्या है। और हम देखते हैं कि वो जो कि शैडो ईटर था वो बूम करके यहाँ से गायब हो जाता है और एक स्टार अब जो मैस के हाथ में था। जैसे ही उनकी एक परीक्षा ख़त्म हुई थी अब वो लोग दूसरे रूम में ट्रांसफ़र हो चुके थे, जिसे देखकर डॉट कह रहा था इसका मतलब ये है कि हमें अब सारे रूमों को पास करना होगा, उनकी सारी पजल्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी जा कर के हमें और स्टार्स मिलेंगे। सही कहा ना मैंने, मैस अपने उस स्टार को हाथ में लेकर के कह रहा था। हाँ तभी तक हमें आवाज़ सुनाई देती है जो अबेस रेजर मार्गेट मैक्रोन और अबेल की थी, जो मैस और बाकी लोगों से कह रहे थे तुम लोग ठीक तो हो ना। हम लेविस को देखते हैं जिन्हें 3 स्टार मिल चुके थे और वो कह रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत ही आसान होने वाला है और ऐसे तो हम किसी भी ट्रैप में नहीं आने वाले। अभी लेविस उस बंदे से कहता है कि मैं अपने अपोनेंट को कभी भी कमज़ोर नहीं समझता हूँ। लड़का लेविस से कहता है हाँ ये सब कुछ जीतने के लिए है ना, तुम्हारे लिए। तभी तक लेविस उससे कहता है तुम्हारी हंसी बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, लेकिन हाँ ये सही है, मैंने इस रेस को पहले ही फिक्स कर रखा है। ये एबिलिटीज़ के लिए तो कभी भी नहीं था और वो लोग मुझे कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तभी देखते हैं कि एक धड़ाम करके आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देख कर लेविस चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर ये क्या है। अभी हम देखते हैं कोई चीज़ लेविस की आंखों के सामने से बहुत ज़्यादा स्पीड में गुजरी थी। इसे देखकर लेविस कहता है अभी आखिर यहाँ हुआ क्या है, मैंने तो इस चैलेंज को वो लोग ना कर सकें इसके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल सेट की हुई थी। ये हम सुनते हैं साउंड एक्सेलरेज बूस्ट। लेविस कुछ सोचता कि उन लोगों ने उस मेज को कैसे पार किया या क्या हुआ, को समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने उन सारी दीवारों को बाईपास किया है और उनको फोड़ते हुए जो मैस था अब इनकी तरफ अबेस रेजर अबेल और मार्गेट मैक्रोन के साथ अबेल की डॉल्स के ऊपर बढ़ते हुए चला रहा था। अब ये सब कुछ देख कर के लेविस के होश उड़े हुए थे। मैस वहाँ पर पहुँचता है और लेविस से कहता है मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए आसान हो। लेविस मैस से कहता है तुम उतने भी कमज़ोर नहीं हो तो फिर ठीक है। और इसके साथ एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को मैंने कल की वीडियो में थोड़े टेक्स्ट को चेंज किया था जिससे वीडियो थोड़ी और आसान हो जाए, लेकिन आप लोगों को शायद पसंद नहीं आई है या जो भी है तो आप लोग बता देना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आज की है वैसे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो कमेंट जरूर करना।